वेलकम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिक्स लिनक्स सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड जिसे कहते हैं chmod, यानी इसको कहते हैं चेंज मोड ऑफ ए फाइल। ठीक है, इस कमांड का उपयोग किसी फाइल के एक्सेस मोड को या हम कह सकते हैं उसकी परमिशन को चेंज करने के लिए उपयोग में ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे डेफिनेशन कहती है chmod का उपयोग फाइल के एक्सेस मोड या परमिशन को मॉडिफाई करने के कार्य के लिए किया जाता है। ठीक है, तो चेंज मोड यानी उसकी मोड का लिया ch, चेंज से लिया, मोड से mo लिया और कमांड क्या बनाया गया chmod। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसका बेसिकली इसका यूज़ पढ़ सकते हैं कि आज यूनिक्स सिस्टम में एवरीथिंग इज़ ए फाइल। सो हम जो भी डिवाइस करते हैं, डिफरेंट टाइप की फाइल करते हैं, उसको हम किसके रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ फाइल के रूप में। ठीक है, इस कारण से क्या होता है कि एक फाइल के रूप में इसका यूज़ करने के कारण हमको यह बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस फाइल को कौन एक्सेस कर पाए या कौन एक्सेस नहीं कर पाए। सो यही एक चीज़ है जो फाइल यूनिक्स सिस्टम को बहुत एक हाई लेवल की सिक्योरिटी प्रदान कराती है। तो हम इसी कारण से फाइल की परमिशन को चेंज करना, किस तरह से परमिशन देना है, कौन सी लेना है, किसको किसको एक्सेस देना है, कौन से ग्रुप को एक्सेस नहीं देना है, किस यूज़र को देना है, क्या परमिशन देनी है, उसको रीड की देनी है या राइट की देनी है, एग्जीक्यूट की या कौन से उसको नहीं देनी, ये सारा कौन डिसाइड कर सकते हैं, किसके द्वारा, chmod कमांड के द्वारा। ठीक है, तो chmod कमांड जब फाइल की परमिशन चेक करते हैं तो बेसिकली हमारे पास दो तीन तरह के मेथड है, लेकिन हम पहले आज क्या करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड करेंगे जो बहुत ज़्यादा कंपेरेटिवली अदर मेथड के ईजी रहता है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हमें पहले अंडरस्टैंड क्या करनी पड़ेगी, इसकी परमिशंस किस तरह से होती है। तो आप फाइल का जो मेरा लेक्चर है, वीडियो लेक्चर, उसको पहले समझे। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, एक फाइल की परमिशंस आप देख सकते हैं कि नो इसके जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, वो डिसाइड करते हैं। तो पहला जो इसका 3 का रीड राइट एग्जीक्यूट का जो पैरामीटर है वो किसके लिए होता है, ऑनर के लिए, दूसरा ग्रुप के लिए और तीसरा जो पेयर होता है वो अदर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला जो ऑनर है उसके लिए रीड राइट एग्जीक्यूट तीन तरह के उसके बाद एक्सेस मोड होते हैं। तो इसमें हर तीन ग्रुप को, इन तीन पैरामीटर को हम 2^0, 2^1 और 2^2 के रूप में इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ऑनर, ग्रुप और अदर्स को तीनों रीड राइट एग्जीक्यूट को हमने 2^0, 1 और 2 के लेवल में डिवाइड कर दिया। क्लियर, यानी आप यहाँ देखेंगे कि लेट सपोज अभी मैं किसी फाइल को परमिशन क्या है, ऑनर के रूप में मैं चाहता हूँ कि उस फाइल को कौन सी परमिशन दी जाए, रीड की भी, राइट की भी और एग्जीक्यूट की भी। ठीक है, यानी अगर तीनों इसको परमिशन दी जाए तो ये तीनों की पावर आएगी इसमें, यानी 2^0, 2^1 और 2^2, ये तीनों 1 कंसिडर करे जाएंगे और इनको इनसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो 2^0 इक्वल टू 1 और 2^2, 1 इक्वल्स टू 2 और 2^2 इक्वल टू 4, तो 4+2+1 यानी 7। ठीक है, यानी अगर मैं इस chmod में 7 का उपयोग करूँगा तो इसका मतलब है मैं ऑनर को समस्त परमिशन दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप देखिए कि मैं एक नंबर यूज़ करता हूँ जैसे 666, आप यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं 666, तो ये किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, 6 को आप किस तरह से लिख सकते हैं, 2^2+2^1। ठीक है, और 2^0 हमको नहीं लिखना है क्योंकि वो प्लस 1 करते 7 हो जाएगा। तो 2^2 4+2^1=2 और 4+2=6। ठीक है, तो 6 परमिशन जब इसको मिलेगी तो इससे ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको कौन सी परमिशन मिलेगी, सिर्फ रीड और राइट की परमिशन, इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिलेगी। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी परमिशन को चेंज कर सकते हैं। क्लियर, तो हम देखते हैं कि लेट सपोज हमारे पास कोई फाइल है, ठीक है, उस फाइल को हम किसकी परमिशन देंगे, 666, यानी ऑनर को भी रीड और राइट की परमिशन, ग्रुप को भी रीड और राइट की परमिशन और अदर्स को भी रीड और राइट परमिशन। क्लियर, हम किसी को भी एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं दे रहे। तो हम चेक करेंगे हमारे एक फाइल में, तो लेट सपोज हमारे पास कोई एक फाइल है
जो हमने अभी जस्ट क्रिएट की है वो है myfile.txt। तो अभी इसकी डिफ़ॉल्ट परमिशन क्या है देखिए आप, रीड और राइट परमिशन किसको है, सिर्फ ऑनर को। ठीक है, हम चाहते हैं कि इस फाइल को रीड और राइट की परमिशन ऑनर को भी मिल जाए, ग्रुप को मिल जाए और अदर्स को मिल जाए। तो हम किसका मोड ओपन करेंगे, chmod। ठीक है, देन हम क्या करेंगे 666। ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे उस फाइल का नाम। ठीक है, तो इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से क्या होगा कि आप देखेंगे कि 666 मिलेगी परमिशन और उसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब हम इसकी परमिशन चेक करेंगे तो आप देखेंगे, तो आप परमिशन देख सकते हैं कि लास्ट में उस फाइल को परमिशन मिल गई, रीड राइट। क्लियर। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, अदर परमिशन भी चेक कर सकते हैं। लेट सपोज मैं क्या चाहता हूँ कि इस myfile.txt को सिर्फ जो ऑनर है उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन मिले। ठीक है, और ग्रुप को सिर्फ रीड की और अदर को भी रीड की परमिशन मिलेगी। तो हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हमें ग्रुप ऑनर के लिए 7 चाहिए, तो 7 कैसे बनेगा, 4 + 2 + 1 = 7। यानी मैं को तीनों को ऐड करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ग्रुप को मैं सिर्फ रीड की परमिशन देना चाहता हूँ तो रीड के लिए क्या होगा हमारे लिए, 2^2 यानी 4। और इसी तरह अदर को भी 2^2 यानी 4। यानी मैं अगर ऑनर को समस्त परमिशन, ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन और अदर की भी रीड की परमिशन, तो मेरे लिए नया वर्ड कौन सा होगा, 744। ठीक है, तो मैं इसको इसे चेक करूँगा, chmod को करूँगा 744 और लिखूँगा myfile। ठीक है, तो आप देखेंगे इससे क्या हो जाएगा कि ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की और अदर और ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन मिले। तो आप देखेंगे मैंने इसको कमांड को एग्जीक्यूट किया, अभी मैं चेक करता हूँ तो आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की और अदर्स को और ग्रुप को सिर्फ रीड की परमिशन मिल चुकी है। क्लियर। तो इस तरह से इस नंबर का कैलकुलेशन हम किस बेस पे करेंगे, हम इस टेबल के बेस पे करेंगे। क्लियर। अगर हम चाहते हैं कि हम सारे यूज़र्स को यानी अदर्स को और ग्रुप को और ऑनर को सिर्फ हम रीड की परमिशन देना चाहें, तो हमारे लिए क्या होगा, सिर्फ 2^2 यानी 4, यानी 4 4 4। ठीक है, हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम क्या चाहते हैं कि रीड और राइट की परमिशन किसके मिले, यूज़र और ग्रुप को। ठीक है, यानी रीड और राइट की परमिशन सिर्फ यूज़र और ग्रुप को मिले एंड ओनली रीड परमिशन टू अदर, यानी इसी अदर को सिर्फ रीड की परमिशन मिले। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो किस तरह से करेंगे, फिर जब कैलकुलेट होगा तो क्या होगा, 664। ठीक है, तो 664 से क्या हो जाएगा, रीड और राइट की परमिशन किसको मिलेगी, यूज़र और ग्रुप को, और रीड की परमिशन किसको मिलेगी, सिर्फ अदर को। तो हम देखते हैं, सबमिट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, chmod और 664 करेंगे माई फाइल के लिए। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या होगा, इसको मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। क्लियर, हमने इसको कौन सी परमिशन ये कराई। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं फाइल इसकी, तो आप देख सकते हैं इसकी फाइल कौन सी मिली। देखो, यूज़र और ऑनर को सिर्फ ऑनर और ग्रुप को रीड और राइट की, इसमें देखिए आप ऑनर और ग्रुप को रीड और राइट की मिल गई है और अदर को सिर्फ रीड की परमिशन। क्लियर, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, chmod का उपयोग करके इसका उपयोग कर सकते हैं। क्लियर, तो और भी कोई उसका क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, फील फ्री टू कॉल मी। क्लियर, तो अब ये देखिए एक और इसका एग्जांपल देख सकते हैं, माई फाइल को जैसे इसमें क्या परमिशन है, 754 की। ठीक है, 754 परमिशन से इस फाइल को किसकी परमिशन मिलेगी, तो हम क्या करेंगे, देखो 7 है यानी इसका मतलब ऑनर को रीड राइट एग्जीक्यूट की तीनों की परमिशन है, 5 है और 5 को हमको किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 2^2 और 2^0 यानी ग्रुप को रीड और एग्जीक्यूट की परमिशन है, 4 यानी सिर्फ अदर को रीड की परमिशन है। क्लियर, तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और chmod कमांड के द्वारा हम इसका उपयोग भी कर सकते हैं। क्लियर, तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर, हैव ए गुड डे।